हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं मैं सीजन 13 के रॉयल पास रिवॉर्ड्स, दोनों पेड पास और फ्री पास के एक साथ दिखाऊंगा दोनों के रिवॉर्ड। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, क्यों ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें हमें सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं दोनों फ्री पास और पेड पास के। तो यहाँ पे आप RP1 पे देख सकते हो, आपको फ्री पास में यहाँ पे एक क्लासिक कूपन का स्क्रैप मिलेगा। उसके बाद नीचे हमें RP1 पे पेड पास में आउटफिट मिल रहा है जो कि पपेट एजेंट आउटफिट है। पपेट एजेंट बेसिक लेवल है और आपको यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट दोनों लेवल देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि जैसे ही आप अपनी इन्वेंटरी ओपन करोगे तो आप इन दोनों आउटफिट्स को सिलेक्ट कर पाओगे, आप जैसा चाहोगे उसको वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो सेट को इक्विप करने के लिए आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे जैसे कि हमने पैच नोट्स में देखा है। उसके बाद नीचे RP1 पे आपको एक गन स्किन भी देखने को मिल रही है जो कि ऑग A3 की गन स्किन है। तो ये भी आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका, आप एक बार फिर से देख सकते हो। उसके बाद RP2 पे हमें यहाँ पे थोड़े से हमारे जो नेक्स्ट सीजन का हमारा जो पॉइंट्स होते हैं परचेज बोनस के, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे आपको हमारा जो आउटफिट्स को चेंज करने के लिए पोर्टेबल सेट होता है, RP पोर्टेबल सेट, वो RP2 पे देखने को मिलेगा। उसके बाद RP3 पे आपको फ्री पास में यहाँ पे BP का कुछ एक्सपीरियंस कार्ड देखने को मिल रहा है। और नीचे आपको यहाँ पे चूज करना है AG कॉइंस या फिर आपको UC सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको जो सिलेक्ट करना है वो आपको बारी बारी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको सीजन के स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। आपको जो पेड पास में आप बाय करोगे तो आपको लगातार ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको जोन जोन से लेवल्स पे आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद RP4 पे हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये क्लासिक कूपन के स्क्रैप्स फिर से देखने को मिल रहे हैं। और RP5 पे हमें यहाँ पे मास्क देखने को मिल रहा है, पपेट एजेंट का मास्क। और यहाँ पे फिर से हमें जो बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों लेवल के मास्क देखने को मिलेंगे, तो आप इसे खुद मर्जी चूज कर सकते हो। उसके बाद RP5 पे हमें यहाँ पे हमारी जो टीम अप प्रोटेक्शन होती है वो भी देखने को मिल रही है फ्री पास में। और फिर नीचे आगे कुछ अजीब से रिवॉर्ड्स हैं, बाकी सिंपल से रिवॉर्ड्स हैं, BP स्क्रैप्स। और आपको उसके बाद RP7 पे फिर से चूज करना है UC और AG कॉइंस में। फिर हमें RP8 पे सिल्वर देखने को मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें RP9 पे यहाँ पे बाइक की पॉपुलैरिटी है पेड पास में, बाकी फ्री पास में यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और RP10 पे आपको यहाँ पे एक स्मोक की स्किन देखने को मिलेगी पेड पास में, जो कि आपको मैं कल की वीडियो में दिखा चुका हूँ। और उसके बाद RP10 पे यहाँ पे हमें जो हमारा RP मिशन कार्ड होता है सीजन 13 का, वो देखने को मिलेगा। तो आप इसे लेके अपना एक मिशन कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे पेड पास में भी हमें कुछ RP मिशन देखने को मिल रहे हैं, RP मिशन का। और फिर यहाँ पे RP15 पे हमारा यहाँ जो रॉयल पास का अवतार होता है वो आपको पेड पास में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फिर से चूज करना है RP17 पे। RP18 पे हमें यहाँ पे फिर से ग्राफिटी देखने को मिल रही है जो कि किसी हीरो की ग्राफिटी है। तो ये ग्राफिटी आपको हमारी जो रॉयल पास क्रेट में भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी आपको ये पेड पास में देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे कुछ सिल्वर है और फिर आपको फ्री पास में यहाँ पे एक इमोट देखने को मिलेगा जो कि फ्रोसेक। तो आप इसे देख सकते हो और आपको ये मैं इमोट पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये काफी सिंपल सा इमोट है और ये कन्फर्म्ड है कि आपको ये फ्री पास में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद पेड पास में इसी इमोट के नीचे हमें यहाँ पे एक बाइक की स्किन देखने को मिलेगी जो कि है हॉट डॉग मोटरसाइकिल। तो आपको ये पेड पास में देखने को मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे RP25 तक तो कुछ खास रिवॉर्ड्स नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो RP25 पे आपको यहाँ पे पेड पास में एक ऑर्नामेंट मिलेगा और फ्री पास में हमें फिर से हमारा जो टीम ऑफ प्रोटेक्शन का वो टैग होता है, कार्ड होता है, वो देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे जो ऑर्नामेंट है देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे और यहाँ पे जो हमारा RP30 होता है उससे पहले आपको यहाँ पे RP29 पे बाइक की जो हमारी पॉपुलैरिटी होती है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो RP30 आपको यहाँ पे रॉक एंड रोल सूट देखने को मिलेगा जो कि आपको पेड पास में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो ऊपर है आपको यहाँ पे फ्री पास में यहाँ पे एक पैराशूट देखने को मिलेगा लास्ट टाइम की तरह, जो कि रॉक एंड रोल पैराशूट है। तो ये दोनों रिवॉर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और आपको मैंने ये भी शायद बताया था कि आपको फ्री पास में पैराशूट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे इस जो हमारा सूट है उसको देख सकते हो, रॉक एंड रोल सूट। और फिर आगे चलते हैं तो आगे आप यहाँ पे पैराशूट को देख सकते हो। तो पैराशूट भी काफी अच्छा पैराशूट है फ्री पास के हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे हमें RP32 पे यहाँ पे हमारी जो रॉयल पास की क्रेट है वो देखने को मिल रही है। और फिर हमें कुछ आगे लेवल्स पे कुछ चूज करना UC या AG कॉइंस में। और फ्री पास में तो हमें कुछ एक्सपीरियंस कार्ड ही देखने को मिल रहे हैं, बाकी RP34 पे आपको क्लासिक कूपन के स्क्रैप्स देखने को मिलेंगे। और RP35 पे हमें पेड पास में यहाँ पे एक इमोट देखने को मिल रहा है जो कि शायद डायनेमिक वेव डांस है, तो आप इसे देख सकते हो। और आपको ये भी मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमोट को। उसके बाद यहाँ पे RP40 से पहले हमें यहाँ कुछ खास रिवॉर्ड नहीं है। उसके बाद सीधा RP40 पे आपको यहाँ पे एक हेलमेट की स्किन देखने को मिलेगी जो कि फिर से रॉक एंड रोल हेलमेट है। तो ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियरली दिखाया था कि ये हेलमेट कैसे दिखता है, तो आप यहाँ पे इसका जो लेवल 3 है उसे देख सकते हो। उसके बाद RP41 पे यहाँ पे कुछ पैराशूट ट्रेल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो लेफ्टिनेंट पार्सर की ग्राफिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और फिर हमें यहाँ पे RP45 पे फ्रेम देखने को मिलेगा सीजन 13 का, बाकी जो दूसरा फ्रेम है उसके लिए आपको जो हमारा RP होता है हमारा 1800 UC
उसे ही बाय करना पड़ेगा, तभी आपको वो फ्रेम मिलेगा। और ये वाला फ्रेम आपको पेड पास में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे जो RP45 पे आपको फ्री पास में यहाँ पे जो हमारा टीम अप प्रोटेक्शन होता है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे कुछ BP है और यहाँ पे क्लासिक कूपन्स हैं। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से चूज करना है हमारे जो UC और हमारे जो AG कॉइन्स में से। और फिर आगे आपको यहाँ पे जो बाइक की पॉपुलैरिटी है वो फिर से देखने को मिल रही है। तो इस बार पता नहीं क्या इन्होंने किया कि आपको बाइक की पॉपुलैरिटी हर एक लेवल पर देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे RP50 पे तो आपको जो हमारी P92 की स्किन देखने को मिल रही है, जो पिस्तल की स्किन है। और नीचे आपको RP50 पे पेड पास में चॉइस करने को मिल रही है कि आपको जो दो आउटफिट में कौन सा सिलेक्ट करना है। जो हमारा फर्स्ट आउटफिट है आइस रेंजर सेट, उसके बाद नीचे है फायर रेंजर सेट। तो आप इन दोनों आउटफिट्स में से एक आउटफिट को सिलेक्ट कर सकते हो RP50 को, अगर आप पेड पास को बाय करते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो एक MVP इमोट, तो ये भी आपको पेड पास में ही देखने को मिलेगा। और ऊपर यहाँ पे कुछ और रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपको फ्री पास में देखने को मिलेंगे RP50 के बाद। तो फ्री पास में तो यही था, बाकी उसमें कुछ खास और रिवॉर्ड्स नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ और रिवॉर्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एक प्लेन की स्किन देखने को मिलेगी जो कि हमें फिर से पेड पास में ही देखने को मिलेगी इस बार। तो आप इसे देख सकते हो प्लेन की स्किन को। और फिर आगे हमें यहाँ पे कुछ और रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये जो नेबुला हीरो का अवतार है, तो ये आपको ये अवतार देखने को मिल जाएगा इस बार के हमारे जो पेड पास में, तो आप इसे ले सकते हो 65 लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से हमें पैराशूट ट्रेल्स देखने को मिल रही हैं। और फिर यहाँ पे हमें चूज़ करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ग्राफिटी आ चुकी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा पपेट एजेंट का इंटरमीडिएट सेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है RP हमारा जो है 70 पे। तो 70 पे आपको यहाँ पे जो इंटरमीडिएट सेट देखने को मिलेगा पपेट एजेंट सेट का, तो आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, ये जो वीडियो में रोटेट हो रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आपको इसके बाद कौन सा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है यहाँ फिर से कुछ जो हमारा UC और AG कॉइन्स में सिलेक्ट करना है। और 72 लेवल पे आपको यहाँ पे क्रेट देखने को मिलेगी जो हमारी रॉयल पास की क्रेट है। और यहाँ पे 75 लेवल पे आपको जो एडवांस का जो हमारा पपेट जेट एडवांस सेट है इसका आपको मास्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 76 पे कुछ BP है। उसके बाद यहाँ पे 78 पे हमारा जो BP एक्सपीरियंस कार्ड है, और उससे पहले आपको यहाँ पे चॉइस करनी है फिर से। और 79 पे आपको सिल्वर देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में आप यहाँ पे आपको फिर से कुछ क्रेट्स देखने को मिल रहे हैं 85 लेवल पे। और 80 लेवल पे हम शायद देखना भूल गए क्या हमें देखने को मिल रहा है 80 लेवल पे। तो यहाँ पे ये 80 लेवल मैं कर देता हूँ, तो 80 लेवल पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक बैकपैक देखने को मिलेगा जो कि हमारा लंच वाला बैकपैक होगा कोई। तो आप यहाँ पे इस पे ऑर्नामेंट भी देख सकते हो कि अगर आप ऑर्नामेंट को इस पे लगाते हो तो आपका जो ऑर्नामेंट है वो किस तरीके से दिखेगा, जो कि शायद पाइनएप्पल सा कुछ ऑर्नामेंट था। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मैं आगे लेके चलता हूँ लेवल 95 पे, जैसे कि आपको बताया था कि वेक्टर की स्किन देखने को मिलेगी। उसके बाद 90 आगे लेवल्स हैं उस पे आपको काफ़ी सिंपल से रिवॉर्ड्स हैं, और आपको यहाँ पे फिर से कुछ चूज़ करना पड़ेगा UC और AG कॉइन्स में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो नेबुला हीरो आउटफिट है, तो आपको मैं ये भी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और बाकी मैंने आपको जो रॉयल पास की क्रेट्स दिखाई थी ओल्ड वीडियो में वो आपको उसी तरीके से देखने को मिलेंगी, और वही 4 आपको क्रेट्स देखने को मिलेंगी। और हमारे जो सीजन 4 के रिवॉर्ड्स थे जिसमें से हमारी जो डासिया की स्किन, पैन की स्किन और एक आउटफिट था, तो वो भी आपको फिर से RP क्रेट में देखने को मिलेगा इस बार के सीजन 13 में। तो दोस्तों ये थे कुछ रिवॉर्ड्स जो कि हमें फ्री पास और पेड पास में देखने को मिलेंगे। तो यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय। Ha 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 ha!